नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल दा पीसी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम आपको रिको के SP210 प्रिंटर के एरर के बारे में बताने वाले हैं। ये जैसे हमने इसमें कार्ट्रिज डाली और कार्ट्रिज डाल के हम फ्रंट कवर को जैसे ही बंद करते हैं, ये हमने फ्रंट कवर को बंद, तो इसमें एरर आ रहा है, प्रिंट कार्ट्रिज सेट एरर। तो ये जो एरर है ये किस चीज़ का है, कार्ट्रिज का एरर होता है ये, और इसके सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना है। देखो, हमने कार्ट्रिज अच्छी तरह से इसमें लगाई हुई है और इसमें जो चिप है वो भी हमने डाली हुई है, तो ये चिप का भी एरर होता है। अगर आपने चिप सही तरीके से लगा दी है, या पहले आप इसमें चिप चेंज करके देख सकते हो, तो सॉल्यूशन अगर हो जाए तो ठीक है, वरना आप वीडियो में बने रहें। को इसके सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना है, तो हमने इसमें नई कार्ट्रेज लगाई थी जो कंपेटेबल कार्ट्रेज है, न कि इसकी ओरिजिनल कार्ट्रेज। इसकी ओरिजिनल कार्ट्रेज में भी यही आ रहा है, एरर आ रहा है, तो हमने इसमें कंपेटेबल दूसरी कार्ट्रेज लगाई है। तो सबसे पहले इसके वायर हैं वो हटा के और इसके टॉप कवर को हम हटा लेते हैं। टॉप कवर को हटाने के बाद में इसमें साइड में जो इस साइड स्क्रू दिया हुआ होता है और दूसरी साइड, और इनको लॉक दिए हुए होते हैं, तो लॉक को हम हटा के इसको ऊपर कर लेते हैं। ये हमने इसको ऊपर कर लिया, और जो कार्ट्रेज का जो सेंसर है, जो पत्ती दी हुई होती है इसकी ग्रिप पे, तो वो अच्छी तरह से कार्ट्रेज को सेंस नहीं कर रही है, तो उसको हम खोल लेते हैं। जो इन केबलों के नीचे ये जो सेंसर है इसका, जो इसमें बारीक बारीक पत्ती दी हुई होती हैं, उन पत्तियों की हम एक बार जांच कर लेते हैं। तो हमने इस सेंसर को यहाँ से हटाया, नीचे से दबा के बाहर आ गया। बाहर आने के बाद में हम ये पत्ती है, देखो इसमें ये पत्ती मुड़ी हुई है थोड़ी बहुत, तो इनको हम सेट करके देखते हैं, अपना सॉल्यूशन 100% हो जाएगा इससे। और देखते हैं अब, ये देखो इनको हम एक बार सेट कर लेते हैं। तो हमने इन पत्तियों को स्क्रू ड्राइवर से थोड़ा ऊपर उठाना है, थोड़ा ऊपर उठा के और दोबारा हमने सेट कर देना है। तो हमने इसको सेट कर दिया, और अब अपने प्रिंटर को हम पैक कर देते हैं। एक बार आप चेक करना चाहो तो बिना पैक किए भी इसको एक बार चेक कर सकते हो, बाद में अगर ये कार्ट्रेज अच्छी तरह सेंस कर चुकी है तो उसके बाद आपको इसको दोबारा बंद कर सकते हो। तो हमने एक बार वैसे ही इसके टॉप कवर को लगाया है अस्थायी रूप से, अब देखते हैं इसका एरर हटा के नहीं, तो वार्निंग आपका ये मैसेज इसमें दिखा रहा है। तो अपना प्रिंटर रेडी मोड में आ चुका है, ये प्रिंटर ओके हो चुका है। तो देखो एक बार दोबारा फिर चिप इसमें डली हुई है सही तरीके से, दोबारा हम इसको चला के देखते हैं। ये देखो प्रिंटर रेडी मोड में आ चुका है, जो अपना रिको का प्रिंटर है SP210SU। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो या आपको समझ में आया हो, आपका सॉल्यूशन हुआ हो, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये देखो शानदार प्रिंट इसमें आ चुका है, जो डेमो पेज हमने निकाला था। तो दोस्तों आपको ऐसे वीडियो हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।